हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जो मैं आपके सामने लेके निफ्टी के निफ्टी पे अपना व्यू लेके आया हूँ, एज इट इज़ हर डे लाता हूँ तो आज भी लाता हूँ लाया हूँ। निफ्टी में देखेंगे आज थोड़ा FII ने ज़्यादा ही बिकवाली कर दी और कल US मार्केट में अच्छी खासी गिरावट थी, उसका इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट को भी देखने को मिला। और मुझे तो लगता है कि ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इंडियन मार्केट में इशू तो नहीं था, बट आज चूंकि क्लोजिंग था मार्केट तो इसलिए चलिए जो भी हुआ आज का मार्केट खत्म हो गया। और आज इस मंथ देखे तो अच्छे खासा गैप अप, इतना 800-900 पॉइंट का गैप अप अगर लास्ट महीने से देता है तो चलो, इतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, एटलीस्ट क्लोजिंग उसको 10-600 के आसपास होनी चाहिए थी, नहीं हुआ इस मंथ की क्लोजिंग तो कोई बात नहीं, आज का एनालिसिस कर लेते हैं आज क्या बताता है। तो निफ्टी देखेंगे आप 10124 पे क्लोजिंग किया है, ये 100 पॉइंट के लगभग 99.85 पॉइंट गिरा करके, एडवांसेस 14 है और डिक्लाइन 35 है, 1 से 1 शेयर है जो अनचेंज है। इसमें देखेंगे तो विप्रो, कोल इंडिया, HCL टेक, IOC, कोटेक बैंक ने अच्छा खासा इसमें काम किया है और मैंने कि बढ़ोतरी की है। और दूसरे जो भी हैं जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे तो लूजर्स हैं, ये गेनर्स थे और ये लूजर्स हैं भारतीय एयरटेल, इंडिया पुल हाउसिंग, UPL, वेदांता, हिंडालको, ये सब लूजर है। तो ये सब थोड़ा सा इसके बारे में था। अब चलें अगर हम देखें कि FIDI ने क्या किया, तो FII ने देखिए 1495 करोड़ की बिकवाली की है और आप देखेंगे तो DII ने 339 करोड़ की खरीदारी की है, तो ओवरऑल 1100 करोड़ के लगभग आसपास सेल हुआ है। कोई बात नहीं, अगर हम इंडिसेस की बात करें तो हमें दिखेगा कि आप देखेंगे निफ्टी बैंक, मतलब कि IT सेक्टर को छोड़ के सभी सेक्टर ने गिरावट दिखाई है आज, सभी में गिरावट है, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो फाइनेंस, सभी सेक्टरों में गिरावट दिखाई गई है। और इंडेक्स की बात करें तो सारे इंडेक्स में गिरावट है और विक्स भी 18.9 में थोड़ा सा बढ़ के ही गिरावट हुआ है। तो यहाँ पे इंडेक्स में भी अगर हम देखें तो इंडेक्स में भी अच्छी खासी गिरावट ही थी। चलिए और आगे बढ़ के अब निफ्टी एक बार निफ्टी 50 के शेयर को भी देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 में जैसा देखेंगे आप एडवांसेस 14 है, डिक्लाइन 35 है, अनचेंज्ड 1 है। तो जो अनचेंज्ड है वो गेल है, बाकी आप देखेंगे विप्रो 9 पॉइंट बढ़ा है 3%, कोल इंडिया बढ़ा है 6, HCL टेक 22, बजाज फिनांस फिजर्स 22। और जैसा कि अब देखिए ये सब शेयर बढ़ते हुए हैं, अब कुछ शेयर गिरते हुए जैसे हीरो मोटर कॉर्प ने आज गिरावट दिखाई है 3 पॉइंट की, अब अल्ट्राटेक सीमेंट में 10 पॉइंट की गिरावट है, मारुति 43 पॉइंट। अब मारुति में एक चीज़ आपको बताता हूँ, मारुति में कहीं ना कहीं अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखने का, आज एक जो डबल बॉटम होता फॉर्मेशन उसके बाद अपवर्ड की ओर लिया है, तो यहाँ से मैं आपको मारुति का ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, तो यहाँ से अभी अपवर्ड ये ले सकता है मारुति, तो आप मेरे वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैं रनिंग मार्केट में आपको दिया था, अगर वहाँ पर आपने लिया रहा था उस समय 666 चल रहा था तो वहाँ से आज की क्लोजिंग आपको 700, तो आज आपको 50-60 रुपये का फायदा भी हो गया रहता। और जैसा कि आपको मैंने ग्रासिम में बोला था ये कंटिन्यूस गिर रहा है, टाटा मोटर कंटिन्यूस गिर रहा है, तो आज भी इसमें आप देखेंगे गिरावट ही का दौर चालू है। देखिए टाटा मोटर में नया लो पे लो हाई बनाते जा रहे हैं 164 का, आइसर मोटर ने 540 पॉइंट की अच्छी खासी गिरावट दिखाई है, HDFC ने गिरावट दी है 34 पॉइंट की, इंडसलैंड बैंक ने 27 पॉइंट की, डॉक्टर रेड्डी ने 33 पॉइंट की, और क्रॉसिंग देखिए क्या 23 पॉइंट। मैंने आपको बताया था कल कि अगर ये 798 के लेवल को तोड़ेगा तो अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और ये देखिए अभी इसने नया लो बनाना चालू कर दिया 779, और ऐसा कि नया लो बनाने के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर से उठा भी नहीं, 4-5 पॉइंट ऊपर उठ के क्लोजिंग दिया है, 2.86% की गिरावट है, इसमें एक अच्छी खासी गिरावट अभी भी आने को तैयार है और अभी भी आ सकती है। इंडिया पुल हाउसिंग देखें तो 41.5% के साथ अभी भी इंडिया पुल हाउसिंग जो अच्छा स्क्रिप्ट था, बट देखिए LFS के चक्कर में ये कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो इंडेक्स की बात हो गई, अगर एक बार हम इसमें कॉल, अब एक बार चलिए कॉलपुट की ओर देख लेते हैं, कॉलपुट क्या हमको दिखाता है, कॉलपुट हमें क्या बताना चाहता है। तो एक बार इंडेक्स के अगर हम चेंज भी को देखें 23 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में, तो आप देखेंगे 1 ईयर एगो जो आपका था इंडेक्स था निफ्टी 50 का 10184, लगभग जाके आप वहीं पे खड़ा है 10124 के आसपास। मैं एक कंपेरेटिव इंडेक्स को लेके आया था मंथ वाइज इसका कंपेरेशन, तो आप देखेंगे ये अक्टूबर जो पहले था, हर अक्टूबर को जो 17, 24, सितंबर 24
अक्टूबर 23, 2017, और 23 अक्टूबर 2017 को वन ईयर एगो जो था 10184 था, और वहीं पे कहीं पे जाकर के ये अभी आज जाके खड़ा है 10184, उससे नी लोअर है निफ्टी नेक्स्ट 50 भी देखें तो 28 से 22 हज़ार के आसपास है। निफ्टी बैंक देखेंगे तो 24,088 से 24,817, अगर निफ्टी ऑटो देखेंगे तो 11,190 से 8,500। समझिए निफ्टी ऑटो में एक साल में क्या गिरावट आई है, अच्छी खासी गिरावट आई है। कोई बात नहीं, हम ऐसी इंडस्ट्रीज को छोड़ देते हैं। हमको अब क्या करना चाहिए, हमें आगे क्या करना चाहिए, नवंबर में कैसे, ये देखिए नवंबर का 10,124 का लेके आ गए हम चार्ट, ये 25 अक्टूबर की क्लोजिंग है, 10,124.90 पे क्लोज हुआ है, और ये नवंबर का जो है कॉल पुट है, ये पुट है ये कॉल है, ये हमें क्या बताता है। देखो पुट की ओर देखते हैं तो 9,000 पे 15,83,000 का शेयर है, 9,500 पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 30 लाख का, और आज का एडिशन भी हुआ, जो आज एडिशन हुआ है 4,22,000 का, जो अच्छा खासा है, और तो आप देखेंगे 30,69,000 का 10,000 पे एडिशन हुआ है। तो अब मैं अगर हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर FII ने बाई किया है फ्यूचर को और इसको हेज किया है, तब तो आपको लगता है उन्होंने नीचे की ओर हेज करके रख लिया है अपना, तो 9,500 तक का हेजिंग तो उन्होंने कर लिया है, उन्हें लग रहा है 9,500 तक जा सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 10,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, 30 लाख का सपोर्ट है तो अच्छा खासा है, और अपर साइड में अगर हम चलें, अपर साइड में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपनिंग टेस्ट जो है 19 लाख का है 11,050 पे, जो टफ है, उसके बाद 16,000 है 10,800 पे। तो अभी कॉल के साइड में उतनी पोजीशन नहीं बन रही है जितनी कि पुट की ओर बन रही है, तो इनिशियली ये हो सकता है शुरुआती दौर में कि आपको थोड़ा गिरावट या थोड़ा सा लोअर साइड में देखने को मिल सकता है, तो 10,000 का पुट आपके लिए अच्छा काम कर सकता है अभी इनिशियल पीरियड में। और तो रेंज जो अभी बन के आ रहा है 10,000 से लेकर के जो बन के आ रहा है वो 10,600 से 10,700 का रेंज बन के आ रहा है, 10,800 मैक्सिमम। और लंबा रेंज बोले तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो यहाँ पे है 30 लाख का 10,000 पे है, और कॉल में देखें तो आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे 16 लाख का है 10,800 पे, 17,10,500 पे है, तो 10,000 से 10,800 का रेंज बन गया रहा है। ये पूरे महीने का रेंज है जो अभी अगर प्रेडिक्शन करना चाहती है, पूरे महीने का रेंज यही आएगा। मैं इसको और एक तरीके से आपको समझाना चाहूँगा क्यों ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरे महीने का हो सकता है। तो जब चार्ट पे जाए ना तो चार्ट पे देखें मैं कि अगर ये यहाँ से गिरा है, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट मेथड से जाऊँ, ये इतना परसेंट गिरा है तो 50, अगर ये 50% भी उठता है तो 10,879 तक जा सकता है। आप एक बार जब भी देखेंगे चार्ट को, ये W बना रहा है, यहाँ बना रहा अप गया, यहाँ अप, यहाँ डाउन लिया, फिर अप लिया, फिर डाउन लिया, तो इस बार अप लेगा। रेयर होता है कि वो कंटिन्यू इसको फॉलो करे, तो कंटिन्यू फॉलो नहीं करना चाहिए। तो अगर वो 23% भी अप लेता है तो 10,467 तो जाएगा, और मेरा बिलीव है कि ये 40% तक तो लेगा, 38% जो है, जो कि 10,695 है। तो आप मान के चलिए 10,700 तक अपना दायरा तो इस महीने का है, जो कि वहाँ तक तो एक बार लेकर के अगर नीचे आना भी होगा या क्लोजिंग भी ऊपर नीचे करेगा तो 10,000 से 10,700 का रेंज मेरे को इस पूरे महीने का दिखता है। क्योंकि दिसंबर में इलेक्शन और रिजल्ट है तो हो सकता है कि अभी ये कोई ज़्यादा हौचपोच नहीं करेंगे और ज़्यादा कोई पोजिशन नहीं बनाएंगे, तो आप 10,000 से 10,700 के रेंज में पूरे महीने नवंबर की एक्सपायरी को आप हो सकता है देख सकते हैं। तो ये रेंज एक अच्छा सपोर्ट मिला और चार्ट पे भी मुझे देखने को मिला, तो मैं सोचा आपको भी बता दूं। इसके अगर देखते हैं तो 10,700 है, अगर इसको वीकली बेसिस पे हम देखने की कोशिश करें, चलिए अब एक बार इसको हटा देते हैं, और अगर वीकली बेसिस पे देखने की कोशिश करें इस चार्ट को, तो अभी जहाँ पे ये खड़ा है यहाँ से आपको दिखेगा वापस इसका 100 दिन का डेमा जो 9251 दिखा रहा, 200 डेमा 9251 मुझे अभी भी बिलीव नहीं आएगा, ना तो तब था, ना तो इस महीने था, ना तो आगे भी है, बहुत से बहुत 9,900, 9,800 इतना जाएगा काफ़ी है, इससे ज़्यादा गिरावट होने को नहीं है। और ये आपको 10,700 जैसा आपको बताए तो 9,800, 10,700 इसी रेंज में आपको देखने को मिलेगा। आप अपने ही दोनों तरफ चाहें तो आप ऊपर पोजीशन नीचे पोजीशन बना के रख सकते हैं, वैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वैसा दिख रहा है। अगर मैं डेली बेसिस पे जाऊँ कि कल का क्या पोजीशन बन रहा है, क्या इनिशियल दिख रहा है, तो आज से आपको कल का ट्रेंड मत अभी डिसाइड कीजिए, एक दो दिन निकल जाने दीजिए, क्योंकि वो यहाँ से क्या होता है चेंज होता है,
लेकिन कल का पोजीशन थोड़ा सा डाउन ही दिख रहा है, कोई अपवर्ड साइड में सिग्नल नहीं दिख रहा कहीं पे भी, तो हो सकता है एक नया कल डाउन थोड़ा सा और बना करके फिर अप ले। हो सकता है 10,000 आपको 50 दिखा दे, या कल का माहौल बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो यहाँ से एक ट्रेंड डाउनवर्ड ही ले रहा है, तो एक लो बना रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे डे, अगर आपको डे का चार्ट देखना है, आपको इसको डे का दिखा दो, या एक बार डे का दिखाते हैं आपको चार्ट, तो आप देखेंगे ये आज ओपन हुआ, आज 25/10/2018 को ओपन हुआ 135 पे, हाई बनाया 165 का, लो बनाया 10,080 का, और क्लोजिंग दिया 10,124 का। ये आज का पूरा सिनेरियो था। आप कंटिन्यूस देखेंगे यहाँ से तो फॉल चालू ही है। आप देखेंगे 19 तारीख से जो कंटिन्यूस फॉल चालू है, यहाँ से आप देखिए यहाँ पे लो बनाया इसने 10,436 का, उसके बाद लो बनाया इसने 10,249 का, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे भी लो बनाया 10,224 का, उसके बाद 10,102 का। ये एक रिकवरी लिया था जहाँ पे हमें आशा था कि यहाँ रिकवर लेगा, और ये 10,126 दे करके ये ऊपर की ओर लिया था, 10,224 की ओर क्लोजिंग दिया था, लेकिन वापस आज आप देखेंगे तो यूएस मार्केट के चक्कर में ये पिट गया और वापस 10,124 की क्लोजिंग दी। अगर मैं SGX निफ्टी को देखूं तो निफ्टी तो आज वापस निगेटिव ही दिखा रहा है, आप देख ही रहे हैं ये निगेटिव ही दिखा रहा है। SGX निफ्टी अपडेट भी ले लेते हैं, इसका जस्ट अभी अपडेट देख लेते हैं। तो ये 10,072 लो बना करके 10,125 बना रहा था, ऐसा ही कल आपको अपना भी इंडेक्स देखने को हो सकता है मिले, लो बनाएगा 10,050-10,060 और वहाँ से फिर 110-111 पॉइंट बना करके ऊपर बना के 10,150-170-200 तक देगा। तो 10,300 के कॉल पे और 10,000 के पुट पे आप अपना पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं। और अगर मैं आपको निफ्टी के दूसरे अगर बताऊं आपको इसके बारे में, अदर मार्केट के बारे में बताऊं, तो US मार्केट 222 पॉइंट के साथ प्लस बता रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से आपको कल अपवर्ड साइड लेना चाहिए मार्केट को, और कल अगर अपवर्ड साइड लेता है तो 10,250 तक जा सकता है। और भी एक अच्छी बात बताता हूँ, ये तो अप है, US मार्केट तो अप है, और एक आप देखिएगा तो USNR में भी देखिए यहाँ पे रुपये में भी मजबूती आ रही है, 73-24 की मजबूती दिखा रही है, तो रुपये में भी मजबूती दिख रहा है अपने को। अगर कॉमोडिटी में जाएं तो कॉमोडिटी में देखें यहाँ पे ब्रेंड क्रूड देखें तो थोड़ी सी मजबूती ले रहा है, 76-56 चला गया है, तो क्रूड में वापस अपवर्ड है, ये सब कुछ नहीं रिकवरी है, ये 76 है ना, कल जैसे नीचे गया था ना, इसको जाना ही 72 पे, ये टाइमिंग इसको इधर उधर घूमने दीजिए, जितना घूमना घूम लेने दीजिए, ये नीचे ही जाएगा। और अगर US मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है तो कल आप पॉजिटिव ट्रेंड में भी अपने आप मार्केट को देख सकते हैं, फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है तो कोई रिस्क लीजिए नहीं, कल ओपन हो जाने दीजिए, कल आपको चार्ट अपने आप मिल जाएगा। लेकिन जैसा आपको पूरा महीने का बता दिया आपको, जो मुझे लग रहा है कि 10,000 से 10,800 के रेंज में पूरा महीना खत्म होने वाला है, क्योंकि दिसंबर में इलेक्शन और उसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो कोई खास आपको न्यूज़ मिलेगा देखने को मिलेगा नहीं। तो फिर भी अगर आपको ऑप्शन चेन पे अगर आपको खेलने का पेपर ट्रेडिंग करना है तो आप 10,000 के पुट को लीजिए, जो कि आपको 169 में मिल रहा है आपको, और एक बार 10,800 के या 10,600 के कॉल को देखें जो 67 रुपये में मिल रहा है, तो ये दोनों को आप देख सकते हैं अगर देखना है। लेकिन बेस्ट अगर मेरे से पूछे अगर मेरे क्या लेना चाहिए तो 10,200 का आपको कॉल रखना चाहिए अपने पास, 10,200 का कॉल, नहीं तो 10,300 का कॉल ले लीजिए, 187 रुपये में मिल रहा है आपको, ये दोनों कल आपको फायदे में देगा, आपको जो आपको मनी में सेट होता है वैसा ले लीजिए। बहुत ऊपर लेने से कोई फायदा नहीं, जब क्लोजिंग 10,700 का देगा तो आप समझ सकते हैं ऊपर नीचे जाकर के ऊपर की वैल्यू को ख़त्म कर देगा, अगर टाइमली नहीं जाता है, जैसे इस बार 11,000 लिए थे लेकिन गया नहीं टाइमली तो उसके लिए लॉस भी हुआ। तो इसलिए आप मिडिल में रहिए ना, 10,000 से लेकर के 10,700 तक है, तो आप मिडिल आपका 10,200-10,300 बनता है, आप 10,200-10,300 पे खेलिए ना, आप लेके बैठिए आपको कभी ना कभी तो रिकवरी दे ही देगा, पूरे महीने में एक बार तो देना ही देना है, तो आप आराम से 10,200 या 10,300 का कॉल लेके बैठ जाइए, आपको पूरे महीने में अच्छी खासी प्रॉफिट दिखा के जाएगा। ये टोटल एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये निफ्टी का व्यू था मंथली, नवंबर 18 के लिए पूरे मंथली व्यू था, ये क्या रहेगा निफ्टी, और ये सारे एजुकेशनल पर्पज से है। आपको कोई पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करने के बाद बनाएं, और नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब कर लोगों को फॉरवर्ड करें, हम आपके सामने ऐसे ही वीडियो और भी लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।